सच कड़वा होता है, ये हम सभी जानते हैं, लेकिन ये सच इतना निर्दयी, इतना क्रूर, इतना ही भयानक और साथ उतना ही भावुकता से भरा है कि आपके भी दिल के अंदर तक आह उठ जाएगी और रूह कांप जाएगी। इतिहास गवाह है, जापानी आर्मी द्वारा कुंवारी लड़कियों को कैंप में अपने कब्जे में रख उनके साथ कैसे कैसे यौन दुर्व्यवहार, प्रताड़ना दी गई थी। उनकी सच्ची कहानी जानने के लिए कहानी पूरा सुने। मूवी स्ट्राइप लाई है 2016 की कोरियन मूवी स्पिरिट्स होमकमिंग, डायरेक्टर चो जुंग रे, IMDb 6.7। ऐसे ही आप सबको हमेशा अच्छी कहानियां सुनाने की कोशिश में मैं रहती हूँ। बस वीडियो को ढेर सारा लाइक शेयर कमेंट करें और मूवी स्ट्राइप चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट और मोटिवेट करते रहे। अब कहानी सुनते हैं। एक बूढ़ी महिला बैठे बैठे कुछ सिलाई कर रही है और सामने टीवी चल रहा है जिसमें एक और बूढ़ी महिला अपने जीवन में घटी उन भयानक हादसों को याद कर रही है। दरअसल वो बूढ़ी दूसरे विश्व युद्ध के दौरान अपनी यौन प्यास मिटाने के लिए उन जापानी आर्मी द्वारा किए गए उन पर अत्याचार, उन यंत्रणाओं को याद कर बता रही है कि उस समय मैं बस 17 साल की थी जब मैं उनके कब्जे में थी और हमारा इस्तेमाल किया जाता था। वो भयानक, दिल दहला देने वाली घटना आज भी मेरी रूह को झंझोड़ जाती है। वो नरभक्षी हम जैसे ना जाने कितनी कोमल नाबालिग लड़कियों को उनके ही घर से अपहरण कर अपनी प्यास मिटाने और अपने मनोरंजन के लिए बंदी बनाकर रखा जाता था। हमें लगातार हर एक दिन, हर एक रात, हर एक पल, हर एक लम्हा बलात्कार का शिकार होना पड़ा था, कहते हुए उनकी आंखों से आंसू बह चले। और इतना ही नहीं, उन्होंने हमें महावारी के वक्त भी नहीं छोड़ा, और अगर हम बीमार पड़ गए या हम अब उनके किसी काम के नहीं होते तो हमें गोली मार दी जाती थी। ऐसा करने में उनके हाथ तक नहीं कांपते थे, आंखों में ना कोई शर्म, ना कोई पश्चाताप, ना ही कोई मानवता का भाव उनमें था। हम तो बस उनके लिए मजे करने की एक चीज मात्र थे। अब यहाँ टीवी में उसकी कहानी सुन यहाँ ये बूढ़ी महिला अपनी सिलाई को रोक कर कुछ सोचने लगी, जो हमें सीधा साल 1943 साउथ कोरिया के उस भयानक अतीत में ले जाती है। हर तरफ दूसरा विश्व युद्ध का हाहाकार, आतंक फैला है। उसी बीच एक छोटे से गांव में रहती है जुंगमिन, जो अपनी सहेलियों के साथ लुका छुपी खेल रही होती है। तभी उनके सामने से आर्मी लोगों से भरी एक गाड़ी गुजरी, जिसमें से एक सैनिक उन लड़कियों को देख अजीब तरीके से मुस्कुराता है। पता नहीं उसके मन में क्या छुपा है। अब अगले दिन जुंगमिन अपने उन्हीं सहेलियों के साथ 5 गोटी खेल रही होती है। उसके दोनों सहेलियों के पास एक तावीज जैसा रखा है, जो उस समय की कोरिया के लोग अपने पास रखा करते थे। उनका अंधविश्वास था कि ये उन्हें हर बुरी बला से बचाएगी। उसकी दोनों सहेलियों के पास वो तावीज हमेशा रहती, लेकिन बेचारी हमारी जुंगमिन के पास तो वो है ही नहीं। इसीलिए उसने शर्त रखी कि जो 5 गोटी में जीतेगा वो तावीज उसे देगा, और अगर वो हारी तो वो अपनी चॉकलेट्स उन्हें देने का प्रलोभन देती है। आखिर में जुंगमिन ही जीती और अब वो तावीज हाथ में लेकर खुशी खुशी घर को लौट रही है। पर बेचारी उसकी दोनों सहेलियाँ रोती रोती पीछे पीछे आ रही है और जुंगमिन से अपना तावीज मांग रही है, लेकिन उसने उनकी बात को ध्यान न देते हुए घर की तरफ भाग चली। रास्ते में उसकी मुलाकात अपने बाबा से हो गई और फिर दोनों हंसते गीत गाते खुशी खुशी घर को लौट रहे हैं। लेकिन उसे क्या मालूम कि घर में उसकी माँ आग बबूला होकर बैठी है, क्योंकि उन तक पहले ही खबर पहुँच चुकी है कि जुंगमिन ने अपनी सहेलियों से उनका तावीज खोस कर अपने पास रख लिया है। गुस्से में माँ ने उससे वो तावीज मांगी और उसे लौटा देने को भी कहा, लेकिन जुंगमिन वो किसी भी हाल में देने ही नहीं मांगती, जिसकी वजह से माँ ने उसे छड़ी ही छड़ी उसके पैरों में मारा। बेचारी के पैरों में लाल लाल मोटे मोटे घाव पड़ गए। अब रात में अपने ही दिए उन जख्मों में हाथ फेर दवाई लगाकर सिसकती हुई भावुक होकर वो अपनी बेटी से माफी मांगती है, और फिर पूरी रात जागकर वो अपने बच्चे के लिए तावीज भी बनाती है। उस समय कोरिया में पूरे जापानी आर्मी का गांव गांव में कब्जा था और कितने ही कोरियन लोगों को साथ ले जाकर उन्हें मार दिया जाता। उसी वजह से दोनों बहुत चिंतित है। जुंगमिन की माँ बोली, अगर आपको वो ले गए तो मैं और जुंगमिन कैसे जिएंगे? एक बार जिसको भी ले गए हैं वो वापस जिंदा नहीं लौटा है। अब कुछ दिन बाद जुंगमिन अपनी सहेलियों के साथ खेलकर वापस आई तो देखा घर में कुछ जापानी सैनिक आकर उसके माँ बाबा पर चिल्ला रहे हैं। उसी वक्त जुंगमिन को वहाँ देखते ही उसकी माँ इशारा कर उसे यहाँ से जाने को कहती है, लेकिन बेचारी जुंगमिन माँ का वो इशारा समझ ही नहीं पाई। उसे भी नहीं पता कि वहाँ हो क्या रहा है। असल में वो जुंगमिन को ही ढूंढ रहे हैं। वो जुंगमिन को अपने साथ ले जाने के लिए आए हैं। अब जुंगमिन को वहाँ देख जापानी सैनिक
जल्दी उसका सामान बांधने को कहते हैं। हमें देरी हो रही है, जल्दी करो। लेकिन दोनों असहाय माँ बाप उनके सामने रोते हैं, गड़गड़ाते हैं, माफी मांगते हैं, लेकिन जापानी आर्मी कहाँ उनकी मानेगी। इसलिए जुम्मिन का सामान बांध देने के बहाने से माँ अपनी बेटी को जल्दी जल्दी थोड़े बहुत पैसे देकर कहती है, ये पैसे छुपा कर रखना और जितने भी दुखों का पहाड़ टूट पड़े तुम्हें बचना ही होगा, रोते हुए उसे समझाती है। साथ ही माँ जुम्मिन को उसका नाम, उसके बाबा का नाम, गाँव का नाम सिखाती है। ये सब अच्छे से याद रखना, ठीक है ना, बाद में वापस गाँव लौटने में काम आएगा। माँ बेटी गले लगकर खूब रोते हैं और जाते वक्त वो उसे रात भर जगकर बनाया हुआ वही तावीज थमाती है। ये तुम्हारी रक्षा करेगा, कहकर उसने अपना आखिरी अलविदा किया। ना चाहते हुए भी जबरदस्ती उन्हें अपनी बेटी को भेजना ही पड़ा। बेचारी जुगमिन बहुत रो रही है, साथ ही साथ उसे बेहद डर भी लग रहा है। यहाँ ट्रेन में उसके जैसे और ना जाने कितनी लड़कियां हैं जिन्हें कहां और किस लिए ले जाया जा रहा है नहीं पता। वो मासूम सी बच्चियां डरी सहमी हुई है, उनके साथ अब क्या होने वाला है इससे वो पूरी तरह अनजान है। जुगमन अपने बगल में बैठी एक लड़की यंगही से बात करने लगती है। वो भी अभी अभी 15 में लगी है, जन्म के बाद से ही उसकी माँ चल पसी थी। इस तरह दोनों एक दूसरे से अपनी बातें करते करते अच्छे दोस्त बन जाते हैं। कुछ दिनों के लंबे सफर के बाद उन सारी लड़कियों को चाइना में उतारा गया। उस समय चाइना पे भी जापानी आर्मी का ही कब्जा हुआ करता था। अब उन बंदी बनाई हुई लड़कियों का जापानी आर्मी कैसे स्वागत करती है, अपनी गंदी नजरों से, अपनी गंदी सोच से उन्हें दरिंदों जैसा घूरते हुए। इसके बाद उन्हें गाड़ी से कैंप की ओर ले जाया गया और सभी को एक कमरे में बिठाया गया। थोड़ी देर बाद एक जापानी महिला नोरी को वहाँ आती है उन लड़कियों को देखने। एक एक कर वो सभी से उनकी उम्र पूछने लगी। कोई 15, कोई 16 तो कोई 17 साल की है। एक जुम्मिन ही है जो उनमें से सबसे छोटी 14 साल की होती है। अब जबरदस्ती जुम्मिन को वहाँ से उठाकर डॉक्टर के पास ये चेक कराने ले गए कि वो अभी भी कुंवारी यानी वर्जिन है या नहीं, या उसे किसी तरह की कोई बीमारी तो नहीं। उसके प्राइवेट पार्ट से कपड़े हटाने पर जुम्मिन उस समय अपने साथ ये क्या होता देख वो आतंक से चीखने चिल्लाने लगी। अब सब कुछ चेक हो जाने के बाद उसे अच्छे से नहला धुला कर एक कमरे में ले जाकर रख दिया। अब रात में नशे में धुत वहाँ के जापानी आर्मी का हेड जुम्मिन के कमरे में दाखिल हुआ। ये सारा इंतजाम उसे जापानी आर्मी के हेड के लिए किया गया था। जुम्मिन उसे देख डर के मारे एक कोने में दबक गई। वो राक्षस ऑफिसर अगले ही पल जुम्मिन के ऊपर झपट्टा मारता है। जुम्मिन खुद को बचाने की हाथ पर मारने की कोशिश करती है, लेकिन कहां वो बच्ची खुद को बचा पाएगी। वो दरिंदा उसे बिस्तर पर पटक कर अपने कठोर हाथों से जुम्मिन को जोर जोर से थप्पड़े मारता है कि वो बेचारी बेहोशी हो गई। और फिर उसी बेहोशी हालत में उसने जुम्मिन का बलात्कार किया। साथ ही दूसरे कमरे में भी बाकी लड़कियों का यही हश्र हो रहा होता है। डरी सहमी वो लड़कियां खुद को बचाने की बेजोड़ कोशिश कर रही है, हाथ जोड़ गिड़गड़ा रही है, लेकिन उन राक्षसों को उन नाजुक किशोरियों पर अत्याचार कर उनके जिस्म को छलनी करने में जरा भी संकोच तक नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद कैंप के बाहर काम कर रही जापानी सेना पर कुछ कोरियन छापामारों ने उन पर हमला बोल दिया, लेकिन जापानी के पास अच्छी नस्ल के हथियार होने के कारण उन्होंने एक ही झटके में उन सारे कोरियंस को मार गिराया। अब इधर जुम्मिन जो बहुत ही बीमारी हालत में अपने बिस्तर पर पड़ी लेटी हुई है, तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। कौन आया है वो चेहरा देखे बिना ही उसे सर्विस देने के लिए उठकर बैठती है, क्योंकि दरवाजा खोलकर आने का मतलब ही है कि उसे अब उनके यौन प्यास बुझानी है। लेकिन वो सैनिक जिसका नाम तनाका है वो बस कोतूहल के मारे देखने आया है कि उसे क्या हुआ है। उसकी हालत देख वो बोला, तुम्हें उठने की जरूरत नहीं है, तुम आराम करो, तुम तो बहुत ही छोटी हो, तुम्हारी जितनी ही मेरी भी एक बहन है। तुम्हारा नाम क्या है पूछने पर उस समय जुम्मिन के दिमाग की हालत इतनी ही खराब हो चुकी होती है कि वो उस पल में अपना नाम तक भूल चुकी है। इतने समय बाद आज किसी ने उससे उसका नाम पूछा है। एकदम ही भावुक होकर उसकी आंखों से आंसू बहने लगे और अब वो बोली, मेरा नाम क्या है, मुझे तो मेरा नाम तक याद ना रहा। ऐसे ही उन लड़कियों के अत्याचार के दिन बीतने लगे। समय समय पर उन लड़कियों को बाहर एक तालाब में ले जाया जाता था। उन सभी लड़कियों के चेहरे पर, हाथ पैर पर, पूरे शरीर पर लाल लाल जख्म है जो उन पर हर पल हुए जुल्म की कहानी को बयां कर रही है। इतना ही नहीं, उनमें से एक लड़की तो अपना दिमागी संतुलन ही खो बैठी है, क्योंकि एक दिन उसके रूम में आर्मी सेना में भर्ती हुआ उसका ही भाई आता है और उसी दिन बाकी सैनिकों को पता चलने पर उसी लड़की के सामने
उसके भाई को तड़पा तड़पा कर मारा जाता है। उसी दिन से वो पागल जैसी हो गई है। किसी भी सेना के कपड़े पहने सैनिकों को वो अपना भाई समझकर बुलाने लगती। यहाँ कुछ पल के लिए वो सभी खुशी से बातें करते हैं, हंसते हैं, लेकिन फिर अगले ही पल अपनी पुरानी जिंदगी, अपने माँ बाबा को याद कर मन में टीस लिए चुप हो जाते। दिन ऐसे ही बीत रहे हैं, लेकिन बार बार बलात्कार होने वाली उन लड़कियों की जिंदगी बेहद ही कष्टकर और दयनीय है। कितनी तो बीमार पड़ जाती है, कितनों को तो 10-10 मिनट में बार बार एक एक नया सैनिक आकर उनके साथ जबरदस्ती करता। एक कमरे से निकलता तो लाइन में लगा दूसरा कमरे में घुसकर फिर से उसी के साथ जबरदस्ती करता। उनकी पीड़ा की तो कोई सीमाएं ही नहीं थी, ना ही उन्हें समझने वाला कोई था, ना ही उनकी समस्याओं को समझाने वाला। वो इतने ही नीच दरिंदे राक्षस थे कि उन लड़कियों को महीना माहवारी में भी नहीं छोड़ते और पीड़ा पर पीड़ा देते रहते। इसके बाद उन्हें उसी हालत में बाहर का भारी भरकम काम भी करना पड़ता था। इसी बीच में मौका देख जुम्मिन ने अपनी दोनों सहेलियों से कहा, मैंने सुना है कि युद्ध की स्थिति अब सुधरने वाली है, हमें अब मौका देखकर यहां से भागना होगा। शायद ऊपर वाला भी उनकी मदद करना चाहता है। वही जापानी सैनिक तनाका, जो दिल से अच्छा है, उसने एक दिन जुम्मिन को वहां से भागने का एक नक्शा दिया और उसी दिन ही जुम्मिन, युंगही और उनकी और दो सहेलियों ने मिलकर वहां से भागने का प्लान बनाया और भाग भी निकले। थोड़ी दूर वो सब गए ही थे कि दुर्भाग्यवश आर्मी को पता चल गया और फिर वो भागी हुई लड़कियों को ढूंढने बाहर निकल गए। या उनमें से एक लड़की किसी तरह उनसे अलग हो जाती है। उसे बीच रास्ते में ही आर्मी सेना ने पकड़कर बहुत पीटा और ये सब वो तीनों भी छुपकर देख रही होती है। ये देख जुम्मिन बोली, हमें वापस कैंप लौट जाना चाहिए, नहीं तो हमारी वजह से कैंप में सभी लड़कियों को वो पापी ऐसे ही मारेंगे। और इसके बाद वो तीनों अपने कमरे में लौट आई, लेकिन इससे भी कुछ नहीं हुआ। उन्हें सबक सिखाने के लिए उन सारी लड़कियों को ठंड कपकपाती रात में बिना कपड़ों के ही बाहर खड़े रखकर रात भर यंत्रणाएं दी। तुम लोग इंसान नहीं, हमारे इस्तेमाल और मजा देने का बस एक सामान हो, कहकर उन्हें पीटा भी गया, जिसके खिलाफ वो लड़कियां कुछ भी नहीं कर पाती। यही उनकी जिंदगी बन चुकी थी। उनके अत्याचार और अमानुषिक की कहानी यहाँ पे खत्म नहीं होती। अब बीमार और उनके काम न आने वाली लड़कियों को दूसरे कैंप पे ले जाने के लिए गाड़ी में भरकर एक ऐसी सुनसान जगह पर ले आए, जहाँ उन सभी लड़कियों को एक एक कर गोली से मारना शुरू किया गया। उनके बीच वही तनाका भी मौजूद है, जो उन बेचारी निहत्ते मासूम लड़कियों को ना मार सका, जिसकी वजह से एक दूसरे ऑफिसर ने उसे ही गोली से मारकर उन लाशों के बीच फेंक दिया और फिर उन सभी लाशों को एक साथ मिट्टी तेल देकर जला दिया गया। इस होते जुर्म के लगभग 2 साल बाद 1945 में जापान में एक बहुत बड़ी मुसीबत आ पड़ी। हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे एटॉमिक बम की वजह से आखिरकार वो पल आ ही गया जब जापान को सभी के सामने आत्मसमर्पण करना पड़ा। इसके साथ सभी सैनिकों को भी तुरंत बाहर से अपने देश में लौट जाने का ऑर्डर भी जारी किया गया। अब क्या करें लड़कियों का, तो उन सभी को एक ट्रक में भरकर उसी जगह ले गए जहां उन पर गोलियां बरसाकर मार दिया जाएगा, क्योंकि अगर ये जिंदा रह गए तो जापानी आर्मी के ये घिनौने काम दुनिया भर के सामने आ जाएंगे, जिन्हें वो छुपकर अब तक अंजाम दे रहे थे। उसी समय जुम्मिन अपनी सहेली योंगही को अपनी माँ का दिया वो अंतिम निशानी, वही तावीज दी और रोते हुए बोली, ये तुम्हारी रक्षा करेगा, इसे अपने पास रखो। अब उन सभी लड़कियों को नीचे बैठाकर उन पे जापानी सैनिक बंदूक ताने गोली चलाने ही वाले थे कि इतने में वहाँ कोरिया अपनी फोर्स लेकर पहुँच गई और जापानी आर्मी पर हमला शुरू कर दिया। दोनों देशों के बीच गोलाबारी होने लगी। इस बीच बहुत सारी लड़कियां मारी गई और बहुत सारी भागने में सफल भी रही, जिनमें जुम्मिन और युंगही भी भागकर वहां से काफी दूर निकल आने में कामयाब रहे। क्या हम सच में बच गए हैं? दोनों पल भर के लिए खुश हुए ही थे कि वहां एक घायल जापानी सैनिक पहुंच उन पर हमला करने लगा। जुम्मिन इस बीच बहुत घायल हो जाती है और अब वो जापानी सैनिक उसे जान से मारने ही वाला था कि पीछे से कोरिया सैनिक ने उसे गोली मार दी। कोरियन आर्मी उन दोनों को वहां से सुरक्षित बचाकर ले जाने लगी, लेकिन जब जुम्मिन ने पीछे मुड़कर देखा तो वही जापानी सैनिक ने दोबारा उठकर युंगही की तरफ बंदूक ताने गोली जैसे ही चलाई, जुम्मिन ने सामने आकर गोली खुद खा ली। जुम्मिन की सांसें अब धीमी हो चली है, लेकिन उसे सुकून है कि उसने अपनी सबसे प्यारी सहेली की जान बचाई। युंगही उसे अपनी गोद में लेकर, जुम्मिन उठो ना जुम्मिन, चलो उठो, हमें साथ में घर जाना है, तुमने कहा था ना कि हमें साथ में जाना है, कहते हुए खूब रोने लगी। इसके बाद कहानी साल आज के समय यानी 1991 में आ गई, जहां पहले सीन में दिखाई उस बूढ़ी महिला को हम फिर से देखते हैं। असल में
वो यूं ही है, जो अभी अपने एक दोस्त के घर में है। उसकी दोस्त आत्मा को बुलाने की तंत्र विद्या जानती है और उसी के दल में एक और लड़की यून है, जिसके पास मरे लोगों की आत्माओं को देखने की शक्ति होती है। इसीलिए युंगही ने अपने दोस्त से जुंगमिन की आत्मा को बुलाने की विधि करने को कहा है। अब विधि के दौरान युंगही के सामने योन के शरीर में जुंगमिन की आत्मा प्रवेश करती है। युंगही जुंगमिन को देखकर जोर जोर से रोने लगी। मुझे लगने वाली गोली तुमने ले ली, मुझे माफ कर दो जुंगमिन। मेरा इंतजार करना, मैं बहुत जल्दी ही तुम्हारे पास तुमसे मिलने आने वाली हूँ। और जुंगमिन की याद में वो इतनी रोने लगी कि खुद को ना संभाल पाई और उसकी भी मरने मरने जैसी हालत हो गई। थोड़ी देर बाद यहाँ यून की आंखें जैसे ही खुली, तुरंत दूसरी विधि शुरू हो गई, जिससे उस समय की मरी वो सारी लड़कियों की आत्माएं अपने अपने घर को लौट चली और कहानी के आखिर तक वो सभी आत्माएं भूले बिसरे अपने अपने घर लौट आए। इधर जुंगमिन की आत्मा भी अपने घर लौट आई है, जहाँ वो अपने माँ बाबा से मिलकर बहुत खुश है। उसके हाथ में माँ की बनाई वो तावीज भी होती है। वो सभी हंसी खुशी साथ मिलकर खाना खा रहे हैं। ऐसा लगता है जुंगमिन की यही आखिरी इच्छा रही होगी। इसी के साथ ये कहानी यही समाप्त हो जाती है। कहानी के आखिर का दृश्य दिल चीर कर रख देने वाला है, जिसमें सभी आत्माओं की एक ही आखिरी इच्छा होती है, सही सलामत घर पहुँच जाना। जीते जी ना सही, मरने के बाद कहीं जाकर उन्हें अपना घर देखने को मिलता है, जो कि एक दुखद पल है। उन्हें अपने घर पहुंचने के लिए अपने ही शरीर का त्याग करना पड़ा। और इसी को गौर करते हुए मूवी का नाम भी स्पिरिट्स होमकमिंग यानी आत्माओं के घर की वापसी रखा गया। दोस्तों, ये एक सत्य घटना पर बनी मूवी है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापानी आर्मी ने कोरिया, चाइना और अन्य देशों के किशोरियों का अपहरण कर उन्हें अपने कैंप ले जाकर कम्फर्ट वुमेन के हिसाब से रखा करते थे। उन लड़कियों को नर्स के कपड़े पहनाकर उनके साथ तस्वीर खिंचवाकर अपने कमांडर्स को भेजा करते। उन पे हुए उन जुल्मों, उन चीखों, उन यंत्रणाओं की दास्तां इतिहास के पन्नों में कोरा गया है। लेकिन सवाल ये है कि क्या आज भी इन विकृत मानसिकता के लोगों से, या कहूँ दरिंदों से, देश आजाद हो पाया है? सोचना जरूर। दोस्तों, ढेर सारा प्यार और सपोर्ट मूवीज ट्राइब को देते रहे, ताकि मैं फ्यूचर में भी आप सभी के लिए कहानियाँ लाती रहूँ, कहानियाँ सुनाती रहूँ। सुनते रहिए, सुनाते रहिए मूवीज ट्राइब। गुड बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।